पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात जॉन अभैसी एवं उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात रेंज मोनिका शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में जिले की पुलिस टीम ने क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले एक कुख्यात बदमाश और उसके साथी को गिरफ्त में लिया है। जिला पुलिस कप्तान धर्मराज के सफल निर्देशन में आखिरकार आदतन अपराधी नरेंद्र गुर्जर और उसका साथी अभिषेक पुलिस के शिकंजे में आ ही गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा एवं SDOP नरसिंहगढ़ उपेन्द्र सिंह भाटी के मार्गदर्शन में थाना नरसिंहगढ़, थाना कुरावर और थाना सुठालिया सहित जिले की तकनीकी टीम द्वारा अपने सक्रिय मुखबिरों की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत कुख्यात अपराधी नरेंद्र गुर्जर और उसके साथी अभिषेक पुलिस की गिरफ्त में है। इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। हमारे प्रेस जगत के सभी साथियों का स्वागत है। आज राजगढ़ जिले में पूर्व में अभी जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें कि एक आरोपी के द्वारा अलग अलग स्थानों पे फायरिंग की घटना की और साथ ही साथ उसने अपने परिवार में अपने चाचा, उसके मोबाइल शॉपकीपर, उसके दोस्त, पेट्रोल पंप और एक दंपति जो शुटाले क्षेत्र में रात्रि में जा रहा था उसके साथ में लूट की वारदातें करी और घातक हमला किया और फायरिंग की घटना करी। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आज तारीख तक इसके कुल 13 अपराध संज्ञान में आए हैं और इन 13 जघन्य और सनसनीखेज अपराधों में राजगढ़ पुलिस को सफलता मिली है और इस अपराधी को राजगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। यह अपराधी अपना नाम नरेंद्र गुर्जर बताता है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है जो इसके डॉक्यूमेंट्स में है और इसका साथी है एक अभिषेक। इन दोनों ने मिलकर हाल ही के दिनों में घटनाओं को अंजाम दिया है। राजगढ़ पुलिस की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तलाश करी, न केवल राजगढ़ बल्कि पड़ोसी जिलों में भी इसकी तलाश करी और अंततः कल शाम को नरसिंहगढ़ और कुरावर के बीच में जंगलों में इसके होने की सूचना मिली और कल शाम को हमारी टीम ने जाके बड़ी बहादुरी से इस व्यक्ति को पकड़ा। इसके पास में अवैध पिस्टल, देसी कट्टा और लाइव कारतूस भी मिले और इसने कल शाम को भी फायरिंग की घटना करी, जिसमें थाना कुरावर पे भी अपराध दर्ज किया। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।